नमस्कार, अपना उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। चमोली जिले के कर्णप्रयाग शहर में बहुगुणा नगर में आपदा पीड़ितों की सुध लेने के लिए शाम को कर्णप्रयाग पहुंचे जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत। इस दौरान डॉक्टर धन सिंह रावत ने आपदा पीड़ितों की समस्या सुनी है और उनको बता दें कि उन्होंने कर्णप्रयाग बहुगुणा नगर के आपदा पीड़ितों को जोशीमठ के आपदा पीड़ितों की तर्ज पर मदद किए जाने की भरोसा दिलाया है। उन्होंने प्रशासन को निर्देश दिया है और कहा है कि भवन क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन्हें तत्काल खाली किया जाए। साथ ही कहा कि सरकार बहुगुणा नगर के प्रभावितों को किराए के मकान में रहने के लिए प्रतिमाह 5,000 रुपए देगी। भवनों को आकलन के आधार पर आपदा पीड़ितों को सरकार पूरा मुआवजा देगी। इसके साथ ही वे देर शाम को ही श्रीनगर के लिए रवाना हो गए। वहीं उत्तराखंड के ऐतिहासिक शहर बागेश्वर में बता दें कि सप्रसिद्ध मैदान सरयू बगड़ में आयोजित होने वाले पौराणिक उत्तरायणी बता दें कि उत्तरायणी मेले में महत्व उत्तराखंड वासियों के लिए पौराणिक काल की तरह है। यहां पर पवित्र गोमती नदी और सरयू नदी का संगम होता है, जिससे उत्तराखंड और देश के कोने कोने के आकर श्रद्धालु उत्तरायणी के पावन पर्व पर स्नान कर सूर्य देव और भगवान बागनाथ की पूजा अर्चना करते हैं। इस बार यह मेला 25 जनवरी तक चलेगा और मेले में सांस्कृतिक मंच पर नामी गिरामी कलाकार छात्र छात्राओं के रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों और दर्शक इसका लुत्फ उठाते नजर आएंगे। आज सैनिक हाई स्कूल के छात्र छात्राओं ने एक से बढ़कर एक कुमाऊं और गढ़वाली हिंदी और पंजाबी गीतों पर आधारित शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति देकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं बता दें कि इस दौरान दर्शक खूब तालियां बजाते हुए नजर आए। मेले में दूर दूर से आए कैथ गैराख ने मेले में सजी दुकानों पर भी जमकर खरीदारी की। वहीं बागेश्वर का उत्तरायणी बता दें कि कौथिक में प्रशासन की चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था हजारों की भीड़ में नियंत्रण करने पर पूरी लगी रही। पूरे शहर में ट्रैफिक कंट्रोल के लिए जगह जगह बैरिकेडिंग लगाए गए, यातायात को व्यवस्थित किए जा रहे हैं और साथ ही सरयू नदी और गोमती नदी के घाटों पर भी सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। आपको बता दें कि बागेश्वर का पौराणिक उत्तरायणी मेला जिस मैदान में आयोजित होता है, उस सरयू बगड़ के देश की आजाद और साथ ही आजादी और अंग्रेजों से लड़ने में अहम भूमिका रही है। इस सरयू बगड़ में बता दें कि कुली बेगाड़ जैसी प्रथा का विरोध करने के लिए उस दौर में बद्रीदत्त पांडे के नेतृत्व में बड़े आंदोलन हुए हैं और इसमें किनारे पर बहने वाली सरयू नदी में उस समय अंग्रेज सरकार के राजस्व अभिलेखों को आंदोलन के जरिए सरयू नदी में बहा दिए गए थे। आप देख रहे हो, हमने पहाड़ी लुक लिया है तो हमने पहाड़ी गाने में डांस किया और हम सैनिक स्कूल से हैं और सुबह 11 बजे से प्रोग्राम शुरू हो गए थे और अब रात को 8:30 बजे होगा प्रोग्राम। और हमारे गाने का नाम कोट का बटना था, मैशअप था सारे गाने का। 10 की छात्रा सैनिक हाई स्कूल से बिलोंग करती हूँ। आज हमें बहुत अच्छा लगा अपनी संस्कृति को दिखाने को। इस मेले पे बहुत अच्छा लगा कि लोग हमारे पास आ रहे हैं और हमारी संस्कृति पूछ रहे हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा अपनी संस्कृति को दिखाने के। इसके लिए भी हमने बहुत प्रैक्टिस की है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। यहाँ स्थापना हुई तब से ये उत्तरायणी मेला चलता है। बागनाथ भगवान के नाम से ये शंकर भगवान का अवतार है तो इसलिए इसका नाम बागनाथ रखा गया है। और तब की और आज के मेले में जरा अंतर है, पूरे उत्तराखंड के लोग आते थे गढ़वाल कुमाऊं से तो थौड़ होते थे, हुड़का जगह लेकर चांचरी लगाई जाती थी और प्रत्येक स्थान पर जो है कि अपने अपने थौड़ होते थे तो वो भी प्रसिद्ध। आज मेला लगाया जाता है। और रहा आपने कहा कि ये इतिहास कि यहाँ उत्तराखंड से बागेश्वर से ही ऐसी आवाज गई कुल्ली बर्दाश्त प्रथा पर कि कुल्ली बर्दाश्त प्रथा ऐसी थी कि जो फ्री काम करना है, अंग्रेजों का आदेश आता था और इसी सरयू नदी से बद्रीदत्त पांडे जी के नेतृत्व में पूरे
रेवनू के पटवारी कानगू जितने रेवनू के कर्मचारियों थे वही जन कल्याण और लोक भावना के उद्देश्य से मंगलौर कस्बे में महामंडलेश्वर स्वामी मैत्रेय गिरी महाराज द्वारा भव्य कलश यात्रा निकाली गई है जिसमें 13 अखाड़ों के साध्वी साधु संत इस शोभा यात्रा में हिस्सा लेंगे। वहीं महामंडलेश्वर स्वामी मैत्रेय गिरी महाराज ने बताया है कि भारतीय संस्कृति का उद्देश्य है कि विश्व कल्याण हो, जन कल्याण हो और इस माघ मास में आध्यात्मिक कार्य करने वाले भगवान कथा श्रवण के साथ ही अनुष्ठान और पूजन करने में बड़ी महत्व है। इसके लिए साधु संत हमेशा से ही जन कल्याण के लिए अनुष्ठान ही करते हैं। इसलिए मंगलौर कस्बे में आगामी 18 जनवरी से 26 जनवरी तक महासंघ बता दें कि महा अनुष्ठान किया जा रहा है जिसमें देश के विश्व का कल्याण हो सके। इस अनुष्ठान में कई साधु संतों का रैला मंगलौर की पावन धरती पर आएगी और इस कस्बे में विशाल 201 मंगल कलश यात्रा के साथ ही शोभा यात्रा निकाली जाएगी। कथाओं के साथ साधु संतों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए विश्व कल्याण के लिए प्रार्थना की जाएगी। सुंदर घोष लेकर के चलेंगे और सुंदर भगवान झंडी लेकर के नगर के बीच में चलेंगे ताकि सब लोग उन संत महापुरुषों के दर्शन करें और उनके दर्शनों का लाभ उठाएं। जहाँ जहाँ संतों के चरण पड़े वो भूमि पवित्र रहे, ऐसी कृपा सब संतों की बनी रहे, ऐसा भाव है। और इसमें विशेष जैसी अपनी कुंभ में शाही यात्रा निकलती है, इसमें 10-12 रथ होंगे जिन रथों पर हमारी पदाधिकारी संत होंगे जो अखाड़े की सन्यासिनी अखाड़े। उद्देश्य तो जैसा महाराज जी ने बताया अभी कि जन कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए और लोक मंगल की भावना से जीव मात्र का कल्याण हो सके उसके लिए ये आयोजन हो रहा है ताकि सभी का भला हो, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति भी है और हमारा एक सूत्र भी है कि विश्व का कल्याण हो, तो सभी का कल्याण हो, इसीलिए हम लोग ये आयोजन करते हैं समय समय पर, तो उसी हेतु से ये आयोजन किया जा रहा है। देश के कई राज्यों में धोखाधड़ी से लाखों रुपए ठगने वाले अंतर्राज्य गिरोह में 6 सदस्य को रानी पोखरी पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जिसके कस्बे से पुलिस ने एक कार, 12 मोटर बता दें कि 12 मोबाइल बता दें कि साथ ही इसके साथ इंटरनेट की डोंगल और आधा दर्जन से अधिक एटीएम कार्ड से अलग अलग कंपनियों के मोबाइल सिम बरामद किए हैं। आरोपियों ने कुछ दिन पहले ही रानी पोखरी स्थित एक बता दें कि SC सेंटर संचालक के बैंक खाते को ठगी की रकम मंगाने के लिए इस्तेमाल किया था। इसके बाद ही मामला पुलिस के पास पहुंचा। आज मामले का खुलासा जनपद देहरादून के SSP दिलीप सिंह कुंवर ने रानी पोखरी थाना परिसर में किया है। उन्होंने बताया है कि आरोपियों के खिलाफ हरियाणा, गुजरात, UP और झारखंड के थानों में कई इसी प्रकार के वारदात के कई मुकदमे दर्ज है। पूछताछ के बाद आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के लिए भेजा गया है। आरोपियों को पकड़ने वाली टीम को बता दें कि SSP ने 10,000 का इनाम दिया है। इसके अलावा SSP ने और क्या क्या जानकारी दी है आपको सुनाते हैं। पुलिस को ऐसा नहीं लगता कि जितने भी CSA सेंटर राजधानी देहरादून या आसपास के क्षेत्रों में चल रहे हैं उनकी जांच होनी चाहिए कि क्या वो प्रॉपर मानकों के तहत काम कर रहे हैं। हो सकता है ऐसा मामला फिर आ जाए अगर जांच ना हो तो। नहीं बिल्कुल, आप जिस बिंदु पर बता रहे हैं उसमें हमारी SOG STF के साथ साथ सभी थाना प्रभारी सचेत हैं और जितने भी CSA सेंटर्स हैं उनके बारे में हम तहकीकात कर रहे हैं और इंश्योर करेंगे कि वहाँ से कोई फर्जीवाड़ा ना हो। वहीं रोपवे प्रोजेक्ट निर्माण के नाम पर मसूरी शिफ्टन कोर्ट में कई दशकों से बता दें कि निवास कर रहे गरीब और अनुसूचित जाति के मजदूर परिवारों को 2 वर्ष पूर्व गंभीर कोरोना काल में शिफ्ट को कोर्ट से हटा दिया गया है और नगर पालिका द्वारा प्रस्ताव पेश कर अनियंत्रित आवाज देने का वादा किया गया है, मगर अब 3 साल होने वाला है लेकिन शिफ्टन कोर्ट पर रोपवे निर्माण का एक पत्थर तक नहीं है, जिसको लेकर शिफ्टन कोर्ट आवासीय निबल मजदूर वर्ग और साथ ही अनुसूचित जाति संघर्ष समिति ने शहीद स्थल पर सांकेतिक धरना प्रदर्शन कर नगर पालिकाओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। समिति संरक्षण प्रदीप भंडारी ने कहा है कि शिफ्टन कोर्ट बस को रोपवे निर्माण के लिए वहां से हटाया गया है और नगर पालिका द्वारा कहा गया है
कि कहा गया था कि 2 से 3 महीने में आवास दिए जाएंगे, लेकिन अभी तक कोई आवास नहीं मिला है। वही 3 साल बीतने के बाद भी हम सड़कों पर हैं, और साथ ही उन्होंने मांग की है कि जो शिफ्टन कोर्ट की ज़मीन है उसे वापस किया जाए। शिफ्टन कोर्ट आवासीय निर्बल मजदूर वर्ग और अनुसूचित जाति के संघर्ष समिति के अध्यक्ष संजय टमटा ने सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा है कि सरकार ने 50-50 गज के टुकड़े देकर शिफ्टन कोर्ट वासियों को दिए जाए, लेकिन नगर पालिका की 50-50 गज के टुकड़े देने का मंशा नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर 50-50 गज जमीन नहीं मिलते हैं तो 1 मार्च को वो उग्र आंदोलन करेंगे। लेकिन 3 साल में भी जो है शिफ्टन कोर्ट से हटाए गए लोगों को जो है आवास नहीं दिए गए हैं, और लगातार चाहे यहाँ पर नगर पालिका हो या विधायक जी हो या अन्य संस्थाएं हो, अन्य नेता लोग हों, उन्हें घोषणा की कि हम आपको जो है जमीन दे रहे हैं, आवास बना के दे रहे हैं, लेकिन इनको जो है एक प्रकार से गुमराह किया गया, इनके साथ धोखा किया गया, और आज 3 साल बाद भी ये माता बहनें छोटे बच्चों को लेकर के सड़कों पर हैं इन सर्दी के समय में। तो आज यहाँ पर हमने एक सांगठनिक धरना किया है और आज हमें ज्ञापन दे रहे हैं शासन को, शहरी विकास विभाग को, कि हमें जो है 1 महीने के भीतर शिफ्टन कोर्ट वासियों को ये जो इनकी जमीन ट्रोली के लिए खाली की गई थी, शिफ्टन कोर्ट की जमीन, वो वापस दी जाए, और अगर किसी कारण से वो जमीन नहीं दे रहे हैं तो 1 महीने के भीतर ही इन लोगों को, प्रत्येक आदमी को जो है 50-50 फुट जमीन के पट्टे आमृत कर दिया जाए। अगर नहीं करेंगे तो 1 मार्च से यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन होगा। सर, ये जो है 3 साल से जो हमारे साथ ये छल हो रहा था, ये कि जो है गुमराह किया जा रहा था, आज मैं माननीय सरकार का धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने हमें एक लेटर दिया है जिसमें उन्होंने एक वो लिखा कि 50-50 गज जो है इनको दिया जाए, मगर इसमें मंशा जो है नगर पालिका की साफ नहीं है। अगर हमको 50-50 गज के टुकड़े नहीं मिलते हैं, 50-50 गज की जमीन नहीं मिलती है, तो हमारा जो है ये उग्र आंदोलन होगा 1 मार्च से, और हम जो है हम माननीय नगर पालिका अध्यक्ष जी से भी एक निवेदन करना चाहते हैं कि शिफ्टन कोर्ट में हमें पुनः वापस दिया जाए। पौड़ी में गढ़वाल सांसद और पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत का बयान अब सियासत शुरू कर दिया है। इस बयान के बाद से यहां कांग्रेस ने सरकार पर पौड़ी की अपेक्षा का आरोप लगाते हुए बता दें कि आरोप लगाया है। दरअसल कुछ दिन पहले ही पूर्व ही विकास कार्यों की बैठक लेने पौड़ी पहुंचे गढ़वाल सांसद ने जब पौड़ी के विकास और यहाँ की समस्याओं पर सवाल उठाए तो सांसद तीरथ सिंह रावत ने कहा कि पौड़ी की कोई भी समस्या नहीं है, अगर समस्या होती तो जनप्रतिनिधि उनके समक्ष रखते और समस्याओं का निस्तारण किया जाता। वहीं सांसद तीरथ सिंह रावत ने बयानों के बाद से पूर्व ब्लॉक प्रमुख कोर्ट और साथ ही कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य नवल किशोर ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के नेता नवल किशोर ने कहा है कि सांसद के इस बयान से साफ जाहिर होता है कि सांसद क्षेत्र की समस्याओं के प्रति कितने गंभीर है। कांग्रेस नेता नवल ने कहा है कि बीजेपी सरकार और बीजेपी के चुने हुए जनप्रतिनिधि कभी भी पौड़ी की समस्याओं के प्रति गंभीर नहीं दिखे हैं, इसलिए पौड़ी के समस्याओं का हल अब तक ना हो सका है। नवल किशोर ने कहा है कि पौड़ी अस्पताल पीपीपी मोड में जाने के बाद स्वास्थ्य व्यवस्थाओं जिले के सबसे अधिक खराब होने लगी है। क्योंकि पौड़ी की मैं एक भी समस्या नहीं सुन पाता हूं, जबकि यहां सारे जनप्रतिनिधि यहां बैठते हैं, चाहे मैं विधायक की बात करूं, चाहे आपके जो जिला अध्यक्ष है बीजेपी की वो हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, मगर पौड़ी की एक भी समस्या यहां उजागर नहीं हो पाती। हम लोग किस तरह देखेंगे इसे? पौड़ी की कोई समस्या नहीं है, इसलिए कोई उठाता नहीं, उठाएंगे तो संज्ञान लेंगे। गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत जी के द्वारा एक बयान दिया गया जिसमें उनके द्वारा कहा गया कि पौड़ी में कोई समस्याएं नहीं है। सांसद जी, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि पौड़ी में समस्याएं बहुत हैं, मगर जो ज्वलंत समस्या है वो है जिला अस्पताल पौड़ी, जिसको कि आपकी सरकार के द्वारा बर्बाद कर दिया गया है। पौड़ी अस्पताल की समस्याओं से आज पौड़ी का हर नागरिक परेशान है, और जो आपने बयान दिया है उस बयान से ये झलकता है कि आप अपने क्षेत्र की समस्याओं के प्रति कितने गंभीर हैं। माननीय सांसद जी, मैं आपसे ये मांग करता हूं कि आप जिला अस्पताल की जो बदहाली हो रखी है, इस अस्पताल को निजी हाथों से हटाकर पुनः सरकार यहां पर अपनी व्यवस्थाएं दे, सरकार अच्छे डॉक्टर भेजे, अच्छे टेक्नीशियन भेजे, ताकि यहां की जनता को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। और पौड़ी में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं न मिल पाना यहां से पलायन का एक मुख्य कारण है।
सांसद जी, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा, समस्याएं बहुत हैं, मगर मैं एक मुख्य समस्या पर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। प्रधानमंत्री जन जागरण अभियान उत्तराखंड के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष रवि कुमार ने वीआईपी घाट पर गंगा पूजन कर अपने परिवार के साथ वहां पर मौजूद रहे और अपने कार्यों की शुरुआत की है। इस अवसर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा फूल मालाएं पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया गया। वहीं बता दें कि इस दौरान नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष रवि कुमार द्वारा प्रधानमंत्री जन जागरण अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष लकी खत्री का आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा है कि आज जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई है वे पूरी निष्ठा और साथ ही ईमानदारी के साथ निभा करेंगे। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया है कि उत्तराखंड राज्य में 13 जिलों में प्रधानमंत्री जन जागरण अभियान को गति देने के लिए जिला अध्यक्ष की नियुक्ति की जानी है, जिसके लिए आज धर्मनगरी हरिद्वार में मां गंगा का पूजन कर शुरुआत की जा रही है। उन्होंने कहा है कि आज धर्मनगरी हरिद्वार में एक जिला अधिकारी की घोषणा की जानी है, जिसको लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है, जिसके बाद उत्तराखंड राज्य में 13 जिलों में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए तैयारी की जाएगी। यमकेश्वर विकासखंड के बल्ली गांव में 22 साल की ममता के लापता होने की खबर सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है, जिसकी बात से सूचना परिजनों ने स्थानीय पटवारी को दी है, लेकिन परिवार वालों का आरोप है कि इस मामले में पटवारी कोई गंभीर कार्रवाई नहीं कर रहा है। और परिवार की माने तो ममता 11 जनवरी को घर से बैंक के लिए निकली थी, जिसके बाद से वो वापस नहीं लौटी। वहीं परिवार का शक था कि अंकिता भंडारी की तरह उसकी बेटी के साथ भी कोई अनहोनी ना हो जाए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच पड़ताल में जुटी है। वहीं सड़क पर दुर्घटनाओं का कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इसके बाद से लोगों की यातायात सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए हर साल मनाए जाने वाली राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का कार्यक्रम किया गया है, जिसमें उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार भी पहुंचे हैं। और सड़क सुरक्षा सप्ताह में पुलिस द्वारा कई कार्यक्रमों को आयोजित किए गए। इस दौरान उसमें अच्छा प्रदर्शन करने वाले बच्चों को डीजीपी अशोक कुमार द्वारा सम्मानित किया गया है। डीजीपी अशोक कुमार का कहना है कि पूरे देश में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, पुलिस लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक कर रही है, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी आ सके और हम अपनी जान के साथ लोगों की भी जान बचा सके। आज हमारे द्वारा हरिद्वार में राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, पूरे देश में लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक कर रहे हैं, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके, जिससे हम खुद की जान बचाएं और दूसरों की जान भी बचाएं। इसके लिए हमने ये किया है, आज उसके लिए हमने हरिद्वार में फंक्शन किया राज्य स्तरीय। जाँच चल रही थी, उसके FIR दर्ज है, विजिलेंस की जाँच के आधार पे, उनकी रिपोर्ट के आधार पे कार्रवाई हुई है। इंटरिम कार्रवाई है, ये अंतिम जैसा विजिलेंस करेगी वैसे ही होगा। तो आपके जो जनपद के SSP साहब हैं अजय सिंह जी, उनके नेतृत्व में ही उसकी विवेचना चल रही है। ट्रैफिक सुरक्षा सप्ताह है, ये 11 तारीख से 17 तारीख तक पूरे देश भर में चलाया जा रहा है। तो इसी तरह से हमारे भी पूरे हर डिस्ट्रिक्ट में ये कार्यक्रम चल रहा है, ताकि सब जनता से मिलकर एक सुझाव लेके कि जो ट्रैफिक से सड़क दुर्घटनाएं हो रही है, इसको कैसे मिनिमाइज किया जाए, इसी थ्योरी को लेकर जो सुझाव आ रहा है उसका अनुपालन हमारे पुलिस के द्वारा किया जाएगा, यही इसके पीछे थीम है। जो अच्छे काम कर रहे हैं, जिन्होंने यातायात को व्यवस्थित करने में अपना सहयोग दिया, उन सबको पुरस्कृत किया गया है। और ऐसा प्रोविजन भी दिया, राज्य सरकार ने गुड सैमरिटन्स करके एक प्रोविजन किया है, जिसमें जो सड़क दुर्घटना से बचाव करेगा उसको पुरस्कृत करने का नगद धनराशि देने का प्रोविजन भी है। धर्मेंद्र बिश्नोई, धर्मेंद्र जी इस बारे में बताएं। ये 11 तारीख से सड़क सुरक्षा सप्ताह चल रहा था, इसमें पुलिस द्वारा विभिन्न तरह से लोगों को जागरूक किया गया कि वो अच्छे से ट्रैफिक नियमों का पालन करें, दुर्घटनाओं से बचें। और आज पुलिस के उच्च अधिकारी DGP साहब स्वयं यहाँ पहुँचे थे अन्य अधिकारियों के साथ, और बहुत अच्छी तरह से कार्यक्रम को किया है, और पुलिस ने पब्लिक को काफ़ी जागरूक किया है और समझाया है कि वो लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करें और सुरक्षित रहें। कमी आती है, अगर जागरूक किया जाता है तो लोग समझते भी हैं, पहचानते भी हैं, और
उस चीज़ का पालन भी करते हैं, जिस तरह से पुलिस द्वारा समझाया जा रहा है लोगों को कि नियमों का पालन करें, उससे आपकी इस तरह से सुरक्षा हो सकती है। तो लोग मानते हैं, ऐसा नहीं है कि लोग नहीं मानते, जागरूकता का फर्क पड़ता है। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार आज खुद लोगों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी देते नजर आए हैं, जागरूक करते नजर आए। बता दें कि यहां उन्होंने एक कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित किया है, जिसके बाद पुलिस के द्वारा क्षेत्र में ट्रैफिक जागरूकता रैली निकाली गई है। रैली में डीजीपी अशोक कुमार ने हरी झंडी दिखाकर क्षेत्र में इसको रवाना किया है। मौके पर डीजीपी अशोक कुमार ने कहा है कि लोगों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी लेकर जागरूक होने की जरूरत है, पुलिस नियमों का पालन करा सकती है। वहीं बता दें कि ज्योतिषी पीठ के बता दें जग गुरु शंकराचार्य स्वामी मिश्री अवित मुक्तेश्वर नंद सरस्वती जी महाराज ने जोशीमठ पहुंचे हैं, और सबसे पहले जो बता दें कि ज्योतिषी पीठ के अद्य जागरूक गुरु तोटकाचार्य जी महाराज ने दर्शन कर स्थानीय लोगों को आपदा से संबंधित राहत कार्यों को लेकर जानकारी दी है। इसके बाद से शंकराचार्य जी महाराज ने देर रात नगर के कई राहत शिविरों को प्रभावित से मिलकर उनकी जानकारी ली है, और बता दें कि इस दौरान महाराज जी वहां पहुंचे और साथ ही इस दौरान उन्होंने तमाम चीज़ों की जानकारी ली है। और बता दें कि ज्योतिषी पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी मिश्री अवित मुक्तेश्वर शवनंद सरस्वती जी महाराज जोशीमठ पहुंचे थे। इस दौरान वे तमाम तरीकों की वहां के पीड़ितों से मुलाकात करते हुए बातचीत करते हुए नजर आए। और बता दें कि इस दौरान ज्योतिषी पीठ के जग गुरु शंकराचार्य स्वामी मिश्री अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज जोशीमठ पहुंचे थे। वहां उन्होंने पीड़ितों से बातचीत की है, और साथ ही इस दौरान ज्योतिषी पीठ के आद्य जगगुरु तोटकाचार्य जी महाराज के दर्शन कर स्थानीय लोगों से आपदा संबंधित जानकारी ली है, राहत देने की बात भी कही है। चलिए अपना उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। नमस्कार।